बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम कालमी म्यूजिक 600 की अनबॉक्सिंग करेंगे। और अनबॉक्सिंग करने से पहले इस मॉडल के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये जो कालमी का मॉडल है म्यूजिक 600, ये अभी मॉडल नया लॉन्च हुआ है मार्केट में। 2-3 दिनों तक ये मॉडल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस मॉडल के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और इसका डिस्प्ले कितना है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी बैटरी कितनी है। और फिर एंड पे हम आपको फ़ोन की प्राइस भी बताएंगे और फ़ोन बॉक्स से निकाल के उसकी लुक आपको दिखाएंगे, फ़ोन इस्तेमाल करने में कैसा है, फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है। और इसके बाद फ़ोन का कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि जो फ़ोन के ऊपर फीचर दिए हुए हैं वो फ़ोन के अंदर कैसे हैं और किस तरह वर्किंग करते हैं, फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद फिर इसके फीचर हम आपको बताएंगे। जी, तो सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, ये कालमी का मॉडल है म्यूजिक 600। म्यूजिक 600 है। इसके फ्रंट के ऊपर जो फीचर्स दिए हुए हैं इसमें है ब्लॉक अननोन कॉलर्स है, इसके बाद है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर है, स्ट्रांग टॉर्च लाइट है 3 इसके फ्रंट पे लगी हुई, पावरफुल स्पीकर है, 3000 mAh बिग बैटरी है। इसके बाद जी ये फ़ोन जो है PTA से अप्रूव्ड है, ये स्टिकर लगा हुआ बकायदा, और इसके साथ ये PTA की जो वेरिफिकेशन डिवाइस करने का तरीका कार होता है, ये वो भी डिटेल सारी इस फ़ोन के ऊपर लगी हुई है कि किस आप डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि ये PTA से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसके बाद इस फ़ोन के कलर्स के बारे में आपको बताते हैं। इस फ़ोन के जो कलर्स हैं वो 3 हैं। एक कलर इसका जो है वो रेड प्लस ब्लैक है, और दूसरा ब्लू प्लस ब्लैक है, और तीसरा ऑरेंज प्लस ब्लैक है। ये 3 कलर्स इस फ़ोन के अंदर हैं। इसके बाद ये जो फ़ोन है ये आप चेक कर सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। ये जो फ़ोन कालमी का म्यूज़िक 600 नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। इसके बाद जी इसके अदर्स फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जी ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर ड्यूल सिम लगती है इस फ़ोन के अंदर। प्लस इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो 2.4 इंच LCD डिस्प्ले इसका है। पहले आपको बता चुके हैं कि इसकी स्ट्रांग टॉर्च लाइट है, बैटरी भी इसको बता दी है कि 3000 mAh बिग बैटरी है विद सुपर मोड के साथ। प्लस इसमें वायरलेस FM रेडियो है। इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं वो 32 GB तक लगा सकते हैं। ऑडियो वीडियो प्लेयर इसके अंदर है, स्मार्ट कैमरा है। तो चलते हैं, अब इस फ़ोन के बॉक्स से फ़ोन को निकालते हैं, निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फ़ोन है इसकी लुक कैसी है और किस तरह का ये फ़ोन नज़र आता है। जी ये इसके डिस्प्ले के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर लगा हुआ है और उसके ऊपर इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह दी हुई डिटेल से। इस फ़ोन का जो कलर है वो ब्लू प्लस ब्लैक है। इसकी बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग इसका स्पीकर है। और यहाँ पे जो फ़ोन का है ये चार्जर लगेगा, हैंड फ्री लगेगी। यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं फ्रंट पे इसकी 3 टॉर्च लाइट बिग टॉर्च लाइट है। तो इसके बाद हम बॉक्स में देखते हैं कि इस फ़ोन के साथ बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये इस फ़ोन की वारंटी है, ये म्यूज़िक 600 की वारंटी है, 1 साल की इस फ़ोन की वारंटी है। इन्फोकॉम गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से इसकी 1 साल की वारंटी है। इसके बाद जी इस फ़ोन के साथ है जी ये अटेस्टेशन ऑफ कन्फर्मिटी फॉर्म है कि इस पेपर का डालने की रीज़न ये है कि इससे मुराद है कि इस फ़ोन को इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। ये फ़ोन की यूज़र बुक है कि इसको आप देख के फ़ोन का टोटल तरीका देख सकते हैं कि इस फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कौन सा बटन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जी ये फ़ोन के अंदर जी चार्जर है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी ये बैटरी है फ़ोन में कालमी म्यूज़िक 600 की, जो कि आपको पहले दिखाया बॉक्स पे कि इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh बिग बैटरी है। ये आप देख सकते हैं कि जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh बिग बैटरी है। तो अभी चलते हैं, फ़ोन को ओपन करते हैं, ओपन करके फिर इसमें बैटरी डालते हैं, बैटरी डाल के फ़ोन को ऑन करेंगे, ऑन करके फिर हम आपको फ़ोन के सारे फीचर्स का रिव्यू करके दिखाएँगे कि फ़ोन के अंदर। सबसे पहले ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर ड्यूल सिम है,
सिंगल सिम, डबल सिम और यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड डलेगा। ये सिम वन, सिम टू और ये मेमोरी कार्ड डलेगा। ये इसका बिग स्पीकर है, ये बैक कैमरा है साथ। अब हम बैटरी डाल के फ़ोन को ऑन करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। जी, ये जैसा कि आपको बताया कि इस फ़ोन का जो स्पीकर है वो बहुत स्ट्रांग स्पीकर है। सबसे पहले हम फ़ोन की ब्राइटनेस कम करेंगे, फ़ोन सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद ये एंड पे MISC सेटिंग्स लिखी हुई है, यहाँ पे LCD बैक लाइट को हम कम कर देंगे ताकि आपको ये बआसानी सारे फीचर्स नज़र आ सकें। ये भी आप देखें जी कि ये फ़ोन के फीचर्स हैं, ये राइट मैसेज आ गया। अब हम इसकी पहले मैसेज की कैपेसिटी चेक करते हैं कि इस फ़ोन के अंदर मैसेज की कैपेसिटी कितनी है। जी, ये मेमोरी स्टेटस आ गया। इस फ़ोन के अंदर जो मैसेज सेव होंगे जी, 100 मैसेज इस फ़ोन के अंदर आपके एक वक्त में सेव हो सकते हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं इस फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स की कितनी स्पेस है। ये फ़ोन बुक सेटिंग, मेमोरी स्टेटस, इसमें जो आपके कॉन्टैक्ट्स इस फ़ोन में सेव होंगे ये आप देख सकते हैं, 1000 इसके अंदर कॉन्टैक्ट सेव होंगे और 6 कॉन्टैक्ट इसमें ऑलरेडी सेव हैं, हेल्पलाइन वगैरह वो चीज़ें इस फ़ोन के अंदर सेव हैं। इसके बाद है जी के ये हम आते हैं, म्यूज़िक हमने खोला, इसमें भी कोई चीज़ नहीं। ये मीडिया, मीडिया में आपका इमेज व्यूअर है, वीडियो रिकॉर्डर है और वीडियो प्लेयर है, साउंड रिकॉर्डर है, FM रेडियो है। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉल लॉग्स हैं और इसके बाद ये गेम्स आ गए, इसमें स्नैक्स की गेम है। और इसके बाद है जी ये फाइल मैनेजर है, ये प्रोफाइल्स है जहाँ पे हम जिस फ़ोन को जिस मोड पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसके बाद है जी ये कॉलमी ऐप्स है, कॉलमी ऐप्स में कॉलमी केयर सेंटर की डिटेल दी हुई है, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये सर्विस सेंटर एड्रेस दिए हुए हैं सारे। इसके बाद मोबाइल ट्रैकर है, अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है आपने इस फ़ोन के अंदर जो फ़ोन नंबर सेव किया होगा तो ट्रैकिंग के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके जो फ़ोन नंबर है उसमें फ़लाँ नंबर अभी चल रहा है। ऑटो कॉल रिकॉर्ड है, इसको ऑन करेंगे तो आपकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। ब्लैक लिस्ट की ऑप्शन है, सुपर बैटरी ओपन करेंगे तो आपका जो बैटरी है वो सेव होने लग जाएगी। इसके बाद इसमें शेड्यूल SMS है, डाटा प्रोटेक्शन है कि हर चीज़ पर आप अलग से अपनी डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद ये पेयर कंट्रोल है, इसके बाद कीपैड ब्लिंकिंग है कि कीपैड की जो रोशनी है वो ऑन होती और ऑफ होती, ये हो जाएगी लॉक कीपैड बाय एंड की। इसके बाद ये सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में ड्यूल सिम सेटिंग है, ये जैसा कि आपको बताया कि ये फ़ोन ड्यूल सिम है, फ़ोन सेटिंग आपको पहले दिखा दी है। इसके बाद है जी ये फ़ोन सेटिंग में टाइम, डेट, लैंग्वेज। इसके बाद जी ये प्रेफर इनपुट मेथड है कि आपने कौन सी इसके अंदर वो अपना जो है वो डिस्प्ले के अंदर कॉन्टैक्ट्स किस साइज़ में सेव करने हैं, फॉन्ट साइज़ बड़ा हो छोटा हो, ये डिस्प्ले है, शॉर्टकट्स है, डेडिकेटेड कीज़ हैं, ये डेडिकेटेड कीज़ हैं, इससे मुराद है कि आप ये 1, 2, 3, 4 बटन के नाम से दिए हुए हैं कि आप जो दबाएंगे अंदर उसका आगे दिया हुआ है कि उससे क्या क्या चीज़ आपकी ओपन होगी। इसके बाद है जी फ्लाइट मोड पे आप लगा सकते हैं, ये मिस सेटिंग है, इसमें कीपैड ब्लैक लाइट और LCD लाइट आ गई। ये सिक्योरिटी सेटिंग है, कार लैंप है, SMS है, पावर ऑन ऑफ है, MP3 है, रिस्टोर फैक्ट्री है, रीसेट ऑल है, ये चीज़ें इस फ़ोन के अंदर हैं। ये इसका कैमरा है, ये आपको कैमरा दिखा रहे हैं, इसका ये फ़ोन का कैमरा है, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है। तो ये ओवरऑल जी इस फ़ोन के फीचर्स हैं जो हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइज़र में इसमें कैलेंडर है, अलार्म है, कैलकुलेटर है, टॉर्च है और ब्लूटूथ है। ओवरऑल ये फ़ोन नया मॉडल आया, अभी मार्केट में नहीं आया, इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा फ़ोन है और बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है हर लिहाज से। इसका कलर बहुत अच्छा है, फ़ोन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा फ़ोन है और जो इसकी प्राइस है वो बहुत मुनासिब प्राइस है।
जो अभी इसकी प्राइस कंपनी ने नई निकाली वो निकाली है 2950 रुपये। जी 2950 रुपये विद 1 ईयर वारंटी के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।